आखिर अमेरिका के झंडे पर ये सितारे क्यों होते हैं और क्यों जापान की गवर्नमेंट जापान के लोगों को टोक्यो छोड़कर कहीं और जाकर रहने के लिए $10 मिलियन क्यों दे रही है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। नंबर वन, हेलो दोस्तों, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते ही होंगे या सुना होगा कि अमेरिका के झंडे पर ये सितारे क्यों होते हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अमेरिका पे 50 सितारे क्यों होते हैं? कभी बात सोचते हैं कि आखिर ये सितारे होते क्यों हैं? अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बता देते हैं उससे पहले। लेकिन ये सितारे कभी 13 और कभी 48 हुआ करते थे, लेकिन 1912 से पहले ये सितारों की संख्या 13 थी और 1912 के बाद इसमें सितारों की संख्या 48 थी। सन 1969 के बाद ये सितारों की संख्या 50 हो गई, यानी कि 50 हो गई। आप इसे पीछे का कारण नहीं जानते होंगे कि ये सितारों की संख्या अमेरिका में जैसे जैसे राज्य बढ़ते हैं वैसे वैसे सितारों की संख्या बढ़ती है। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सितारे, इसमें 50 सितारे हैं और अमेरिका में 50 राज्य। फैक्ट नंबर टू, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा स्कूल है जिसकी आप फीस जानकर हैरान हो। स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट ले ऑफ रोजी, इस इंस्टीट्यूट में आप एक साल में करीब 1,70,27,000 रुपए की फीस पड़ती है और इस स्कूल में कई देशों से अलग अलग राजा और बिजनेसमैन के बच्चे ही सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक साल में इतनी फीस लगती है कि हमारे यहाँ इंडिया में 3 बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। और इस स्कूल में कई देशों के अलग अलग तरह के लैंग्वेज भी आपको सिखाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस स्कूल में आपको बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी जो अन्य स्कूल में आपको नहीं मिलती है, जैसे सिर्फ प्लेइंग क्रिकेट, टेबल टेनिस और भी जैसी बहुत सी सुविधाएं आपको की जाती है। स्कूल में आपको स्विट्जरलैंड के स्कूल में केवल 420 बच्चों के लिए 10 टीचर ही प्रोवाइड की जाती है। फैक्ट नंबर थ्री, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट जापान की राजधानी टोक्यो छोड़कर कहीं और जाकर रहने के लिए वहाँ के लोगों को $10 मिलियन दे रही है। आखिर क्यों जापान की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये हम इस बात को इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जापान की राजधानी टोक्यो की जनसंख्या काफी ज्यादा है, ये तो आपको मालूम है कि वहाँ की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। और इतनी जनसंख्या होने के बावजूद वहाँ के लोगों को और कई बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जापान की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को जापान छोड़कर जापान में कहीं और जाकर रहने के लिए $10 मिलियन दे रही है। और इतना ही नहीं, जापान की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया कराकर भी देगी। आप लेकिन इस स्कीम से नहीं, करीब 2019 में जापान की गवर्नमेंट ने लागू किया है। फैक्ट नंबर फोर, हेलो दोस्तों, आपने कभी सोचा और इस बात पर कभी गौर किया होगा कि हमारे हिंदू धर्म के या पौराणिक कथाओं में सुना होगा या देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि और आज के ब्राह्मण हवन या पूजा करते समय गाय का घी क्यों डालते हैं हवन में। उन्होंने बताया कि हमारी ऋषि मुनि की सोच साइंस से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने बताया कि हवन और यज्ञ करते समय 10 ग्राम गाय का घी डालने से स्पेस में 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है और इससे पृथ्वी की ओजोन परत भी मजबूत होती है। इसीलिए हमारे पहले के ऋषि मुनि और आज के ब्राह्मण लोग पूजा या हवन करते समय गाय का घी डालते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि 150 साल पहले एम्बुलेंस कैसी चलाई जाती थी और कैसी दिखाई देती थी? आज हम जानेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले एम्बुलेंस की 1869 में पहली सिविल एम्बुलेंस शुरुआत हुई थी जो न्यूयॉर्क में हुई थी और एम्बुलेंस को बैगी द्वारा चलाया जाता था, यानी कि जिसे कि हम बोल सकते हैं हाथों द्वारा। और कुछ सालों के घोड़े द्वारा चलाने जाने लगा एम्बुलेंस को। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तस्वीर देख सकते हैं कि हमारा एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती थी 150 साल पहले। आपको इस फोटो को इससे पहले आपको पता है कि इससे पहले आपको ये बात मालूम थी? अगर मालूम थी तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।